Thank you.
सदा गणेश की नमः कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय आप बोलिए अज्ञान्ति मिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है रावल। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। राधा रानी के जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग तरीके से श्रीमती अलग अलग स्वरूप से श्रीमती राधा रानी जन्म लेती है। आज हम सवेरे श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद। और ये आनंद जो अलादिनी शक्ति है, ये अलादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए बृहदारण्यक पुराण में वर्णन है कि कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में थे तो गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे जब वे विराजमान थे उनके हृदय में भी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? उनके हृदय में क्रीड़ा करने की, रास करने की इच्छा हुई। तो उसका हुआ उसी समय पर उनके बाम पार्श से उनका बाम पार्श फड़कने लगा और वहां से एक बड़ी सुंदर एक युवती का प्राकट्य हुआ। वो युवती ने क्या किया, वहीं से प्रकट होकर और कृष्ण सेवा के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके और कृष्ण सेवा के लिए धावित हुई, दौड़ी। तो रास से क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है इसलिए पहला अक्षर पड़ गया रा, और कृष्ण सेवा के लिए धावित हुई दौड़ी तो इसलिए दूसरा अक्षर धा, तो नाम हो गया राधा। अर्थात राधा और कृष्ण इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वेदों में बताया है कि मानो जैसे एक ही दीप से दो ज्योति निकल रही हो, दोनों तरफ दो ज्योति निकल रही हो, लेकिन उनका आधार क्या है, वही तेल है जो उसी प्रदीप के अंदर विराजमान है। उसी प्रकार राधा कृष्ण एक स्वरूप है। राधा कृष्ण दोनों सिर्फ दो, देखने में काया मात्र दो है लेकिन है क्या, एक ही। इसीलिए कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी उनके बाम पार्श्व से प्रकट हुई। और उसके बाद में अपने ही समान ब्रज गोपियों को उन्होंने, जो जितनी सारी अष्ट सखियां और सारी ब्रज में गोपियां हैं वो भी श्रीमती राधा रानी का ही काया स्वरूप है बतलाया। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म के विषय में कहीं कहीं पर आता है श्रीमती राधा रानी कभी अंडे से प्रकट होती है, कहीं कहीं पर श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज को यमुना जी में बहते हुए मिलती है, कहीं कहीं पर श्रीमती राधा रानी स्वयं कीर्तिदा देवी के गर्भ से जन्म लेती है। इस तरह की कल्प भेदेशु हरिकथा, अलग अलग हरिकथा है श्रीमती राधा रानी के जन्म के विषय में। अभी इस कल्प में श्रीमती राधा रानी का जन्म इसी रावल में, यहीं पर विश्वानु मापा को प्राप्त हुई थी। कहते हैं विंध्याचल पर्वत, ये दो पर्वत थे हिमालय और विंध्याचल पर्वत। तो हिमालय की पुत्री है पार्वती जी, और पार्वती का विवाह किससे हुआ है, शिव जी से। तो अभी ये जो हिमालय था, हिमालय सब जगह पर, हिमालय क्या हो गए, ससुर जी। तो ये सब जगह पर जाकर बड़े डीग हाँकते थे कि देखो मेरे दामाद कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे दामाद इतने सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी इनके जो भाई थे विंध्याचल के मन में भी इच्छा हुई कि मेरे भी बेटी के लिए एक ऐसा मैं वर ढूंढूंगा जो कि सब गुणों में शिव जी से श्रेष्ठ हो। अभी शिव जी से श्रेष्ठ तो कौन हो सकता है, एकमात्र भगवान ही हो सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से, इन्होंने भगवान से की तपस्या करी। तपस्या करने पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा,
इन्होंने वर मांगा कि मैं अपने भाई की जो जमाता जो जमाई है उनसे भी एक श्रेष्ठ जमाई चाहता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा जी ने इनको तथास्तु कह दिया। अभी जमाई होने के लिए बेटी तो होनी चाहिए ना, तो क्या हुआ, इन्हें विंध्याचल के गर्भ से, विंध्याचल की जो पत्नी थी उन्हीं के गर्भ से दो संतान हुई, एक हुई चंद्रावली और एक हुई श्रीमती राधा रानी। अभी एक समय पर क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस ने पूतना को भेजा। पूतना क्या कर रही थी, सर्वत्र ग्राम ग्राम में भ्रमण करते करते और जो नवजात शिशु थे उनको मार रही थी। जब कंस को योग माया, जो महामाया प्रकट हुई थी जिसको वसुदेव महाराज लेकर आए थे, उसने कंस की छाती पर ठोकर मार के उसको जब नीचे गिरा दिया था, वो उसने अनाउंसमेंट किया था, उसने क्या घोषणा करी थी कि तेरा काल अन्यत्र जन्म ले चुका है। तभी उसी ने बतलाया था कि यदि कोई पुत्र जन्म हो, जो शिशु होगा वो तो तुम्हारा काल बनेगा, लेकिन जो उसी की शक्ति भी कहीं पर प्रकट हुई है, कृष्ण अकेले तो आएंगे नहीं, कृष्ण की शक्ति भी साथ में आएंगी। तो श्रीमती राधा रानी जब उनके विषय में बताया कि अगर उनकी शक्ति से तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारा यश वर्धन होगा, तुम्हारी आयु भी और बढ़ जाएगी। तो पूतना के आदेश से, कंस ने जब पूतना को आदेश दिया था, पूतना क्या कर रही थी, यदि कोई उसे बालक मिलता तो बालक को तो वो मार देती, और यदि उसे कोई बालिका मिलती तो बालिका को लेकर और वो कंस के हाथों सौंप देती। जब वो घूमती घूमती आई विंध्याचल महाराज के पास में, तो विंध्याचल की दोनों कन्याओं चंद्रावली और राधा रानी, इन दोनों को लेकर भी उड़ाकर और लेकर जा रही थी। विंध्याचल महाराज ने अपने पुरोहित को कहा कि आप ऐसे उच्चाटन मंत्र का प्रयोग करो कि वो राक्षसी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अभी उनके पुरोहित ने जैसे उच्चाटन मंत्र का प्रयोग किया, दोनों हाथों में जो उन्होंने बालिका को ले रखा था वो गिर गई। गिरते गिरते श्रीमती राधा रानी इस यमुना के एक अष्टदल कमल के ऊपर गिर गई। वृषभानु महाराज का नित्य कर्म था। देखो एक बात यह समझने की है, श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी की नित्य पुत्री है। गोलोक वृंदावन में कीर्तिका मैया और वृषभानु महाराज ही उनके माता पिता हैं। लेकिन केवल मात्र इस कल्प में लीलावशत उन्होंने क्या किया, विंध्याचल के गर्भ से, विंध्याचल की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन नित्य पुत्री वो किसकी है, कीर्तिका मैया वृषभानु महाराज की। अभी जब श्रीमती राधा रानी यमुना जी में उस अष्टदल कमल के ऊपर गिर गई, वृषभानु महाराज का नित्य कृत्य था ये कि वो यमुना में स्नान करने जाते थे। एक दिन जब सुबह सुबह यमुना में स्नान करने के लिए आए, आचमन करके जैसे ही डुबकी लगाने वाले थे, देखा वहां से एक अष्टदल कमल के ऊपर एक बड़ी सुंदर बालिका बहती बहती हुई आ रही है। उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, वहां पर सर्वत्र आलोकित हो रहा था। वृषभानु महाराज देखकर बड़े आकर्षित हो गए, सोचने लगे ये बालिका है कौन। जल्दी से जल के भीतर गए, उस बालिका को उठाया और अपने घर में ले आए। सोच रहे थे एक बेटी की मुझे आशा तो थी ही और भगवान ने मेरी इच्छा भी पूर्ण कर दी। इस प्रकार विश्वानु महाराज को श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई। बोलो श्रीमती राधा रानी की। जैसे ही कीर्तिका मैया को लाकर विश्वानु महाराज ने वो संतान दी, कीर्तिदा देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उनका अपने पुत्री की भांति ही पालन करने लगी। नारद जी भी सर्वत्र भ्रमण कर रहे थे। नारद जी सोच रहे थे कि कृष्ण ने अगर जन्म लिया है तो उनकी शक्ति भी कहीं ना कहीं तो जन्म लेगी ही। उनका दर्शन करने के लिए नारद जी जब इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, आए वृषभानु महाराज के पास में। वृषभानु महाराज से पूछा कि घर में कोई संतान हुई है। उन्होंने श्रीदाम को लाकर दे दिया। बोले बालक नहीं, कोई बालिका हुई है। वो तो डर रहे थे क्योंकि उनकी खुद की संतान तो है नहीं, यमुना जी से प्राप्त हुई है। बड़े संकोच करते हुए बड़े भय से कहा कि हाँ एक लाली भी हुई है। तब जाकर श्रीमती राधा रानी का दर्शन करवाया। जैसे ही नारद जी ने राधा जी का दर्शन किया, राधा जी तो कौन है, आनंद स्वरूपिणी, हलादिनी शक्ति साक्षात, नारद जी तो देखकर पहचान गए और उनको देखकर प्रणाम इत्यादि स्तुति करना चाहे थे। वृषभानु महाराज को कहा कि जाओ जल्दी रोली अक्षत चंदन ले आओ, मैं इनको स्वस्ति वाचन कर दूंगा। जैसे ही कृतिका मैया और विश्वानु महाराज वहां से चले गए, राधा रानी वहीं पर अपनी अष्ट सखियों के साथ में प्रकट हो गई और नारद जी ने वहां पर यही स्तुति कर रहे थे, जो स्तुति अभी हम गान कर रहे थे, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हम अर्थात क्या चाहते हैं, हे राम श्रीमती राधा रानी, इस स्त्रोत में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब जाकर श्रीमती राधा रानी हम आपके एकमात्र कटाक्ष, आपकी आंखों की एकमात्र दृष्टि के भाजन बन पाएंगे, कब आपकी शुभ दृष्टि, मंगल आरती में हम गाते हैं ना शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, कब श्रीमती राधा रानी, वो तो करुणामयी है ही,
वो तो करुणा के स्वरूप साक्षात है, लेकिन कब वो हमारे ऊपर दृष्टिपात करेंगी जिससे हमारे सारे अशुभ नाश हो जाएंगे और वो हमें कब अपनी सेवा में नियुक्त कर देंगी, कब हमें इतना योग्य बना देगी कि हम कृष्ण सेवा के लिए योग्य बन जाएं। तो इस प्रकार की प्रार्थना नारद जी ने वहां पर स्तुति करी और उसके बाद में नारद जी वीणा बजाते बजाते अपने नित्य धाम को चले गए। तो इसी कल्प के अंदर ये हरि कथा है कि श्रीमती राधा रानी रावल से विश्वानु महाराज को प्राप्त हुई थी। जब हम जाएंगे बरसाना में तो वहां पर की अलग कथा है, वहीं पर हम लोग श्रवण करेंगे। अभी हम गुरुदेव की मुखारविंद से श्रवण करेंगे इस स्थान की महिमा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। ज्ञान ज्ञान दस ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी कथा तो हमारे गौर सुंदर प्रभु ने बोल दी है, बाकी गुरुदेव भी बोलेंगे। थोड़ा कुछ जो मुझे पता है मैं वो बोल देता हूँ। कृष्ण के बारे में बोला गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण जो है कृष्ण है। जगत में जो भी काम होते हैं, जन्म मृत्यु सब कृष्ण की इच्छा से होता है। तो भगवान का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य हो गया, तो वो ही कृष्ण है, एक अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, जिसकी इच्छा मात्र से चक्षुरेत सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त स्वर मूर्ति शेष तेज यस्याम याम समति संप्रभ काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमो। जिनकी इच्छा मात्र से ये सारे ग्रह चलते, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का प्रलय और वो जन्म लेती है सृष्टि, और जिनकी इच्छा मात्र से सारे कार्य होते हैं, वो कृष्ण है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक राधा रानी की पीछे भागते हैं, राधा रानी के चरणों के लिए तरसते हैं। बोला गया है प्रभु जी ने अभी बोल रहे थे ना, मुनिंद्र बृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। मुनिंद्र बृंद मतलब जो मुनि लोग हैं, बड़े बड़े मुनि लोग हैं, उनके राधा रानी की वंदना करते, उनके लिए वंदनीय है। त्रिलोक शोक हारिणी, सारे तीनों लोगों का शोक जो है राधा रानी हरण कर लेती है। प्रसन्न वक्त्र पंकज, राधा रानी का जो मुख्य मंडल है वो एक खिले हुए पुष्प के समान है। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो एक कटाक्ष के लिए, मतलब बड़े बड़े संत मुनि और जो है कृष्ण के चरण को प्राप्त नहीं कर पाते। वो ना जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतकाल हरि आवतनाई। कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए कितने करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और हम उन राधा रानी से कृपा कटाक्ष मांग रहे हैं, तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो बस मुझे इतना ही पता है, बाकी गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, अब लोगों ने श्रवण कर रहे थे, अभी जिस स्थान का नाम क्या है, रावल मतलब क्या है? कहते रावल मतलब होता है जैसे कोई उच्च वंश में जो व्यक्ति हो उनका ये उपाधि है, ये रावल शब्द है। इसलिए कहते श्री नंद बाबा और श्री वृषभानु महाराज आपस में बड़े मित्रता थे, ये ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। जब श्री नंद बाबा नंदगांव में रहे तब वृषभानु महाराज बरसाना में रहे। जब वहाँ से एक दत्त की उत्पात से, कैसी दत्त की उत्पात से नंद बाबा आ गए गोकुल, अभी जो गोकुल होकर के आए, जब वो आ गए दोनों में बड़ी मित्रता थी। फिर श्री वृषभानु महाराज बरसाना छोड़ करके यहीं पर आ गए हैं, और कृष्ण वहीं पर जन्म हुए और राधा रानी यहीं पर जन्म हुए। लेकिन इस साधारण लोगों का जो धारणा है, राधा रानी कहाँ पर जन्म हुई, बरसाना, ज़्यादा लोग वहीं पर जाते। लेकिन बरसाना में जो राधा रानी जन्म हुई इसी कल्प में नहीं, और किसी कल्प में वहाँ पर एक भानु खोर है, जहाँ पर श्री वृषभानु महाराज जब सवेरे स्नान करने के लिए गए वहीं से उन्होंने राधा रानी को प्राप्त किया। लेकिन अभी जो द्वापर युग में राधा रानी, यहीं से ही राधा रानी जन्म होती है। इसलिए ये राधा रानी की जन्म स्थान है, हम लोग आए हैं, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होना तब तक कृष्ण कृपा नहीं होएगी। इसलिए हमारे श्री स्वरूप दामोदर चैतन्य चरितामृत में ये राधा रानी है कौन, हम जो राधे 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 बोलते हैं, कभी राधा रानी राधा जी की कृपा होना वही व्यक्ति ही ब्रजमंडल परिक्रमा में वो ही आ सकते हैं, सभी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए राधा रानी की आपको ऊपर में बहुत कृपा है राधा रानी की। इसलिए कहते जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख रास। जब पता चलेगा हम सबके सब अमृत सब पुत्रा है, हम अमृत की भगवान की संतान है, उनकी भूलने का वजह से ये संसार में आए और इतने दुख कष्ट को हम उठा रहे हैं। फिर जब ये बात पता चलेगा फिर वो सारे दुख कष्ट कैसे दूर होगा, बोले जब हम भगवान की भजन करेंगे, सतगुरु को चरण आश्रय लेकर के जब भगवान की भक्ति करेंगे तब दुख जाएगा। फिर भगवान की भक्ति करोगे, भक्ति करेगा तो क्या होगा, हृदय में जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जो कामना वासना असतृष्णा हृदय दुर्बल अपराध तत्व ब्रह्म, ये धीरे 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 साफ होगा। होगा तो क्या होगा, उसके बाद में फिर रुचि आएगी भगवान की भजन में। अभी तो भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, लेकिन अगर इधर उधर की बात दुनिया की बात हो ना, किसी की चुगली हो, देखना नींद लगेगी, कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, लेकिन अगर किसी की चुगली हो ना कान खड़ा हो जाएगा, कान एकदम खड़ी, बोले मैंने भी सुना है, तू सुने हो, हाँ मैंने भी सुना है इतना। इसलिए कहते भगवान की भजन के लिए हरिनाम करने के लिए बोलो, बोले भैया नींद आ रही तकिया ला, लेकिन अगर इधर उधर की बात सुनो तो एकदम कान खड़ा हो जाती है। इसलिए लेकिन हृदय से जब सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, सारे अपराध दूर हो जाएगी ना, फिर तो भगवान के नाम में हमारी रुचि आएगी। जब भगवान के नाम में रुचि आएगी फिर वही जैसे हरि का नाम, भगवान का नाम, रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम कैसे है, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम। बोले जो भगवान का नाम ही समस्त वेद वेदांत शास्त्र का अगर निचोड़ होगा ना, वो भगवान का नाम ही सार निकलेगा। बोले मीठे से भी मीठा नाम और भगवान का नाम मंगल से भी मंगल है, मंगल से भी मंगल भगवान का नाम है। इसलिए लेकिन भगवान का नाम तो मीठा, लेकिन अभी हम मीठा नहीं लग रहा है, अभी कड़ू लग रहा है, हमें अभी कड़ू लगती है, फिर क्या करनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे मिश्री, मिश्री खाए हो सबके सब, कौन कौन मिश्री खाए, आप बताओ मीठा ना कड़ुआ है, आज मिला है मिश्री मीठा। लेकिन रूप गोस्वामी कहते भैया मिश्री किसी किसी को कड़ुआ भी लगता है, किसको लगता है, जिसको जंडिस का बीमारी पीलिया की बीमारी हो जाए ना, आप देखना जो कुछ खाए आपको कड़ुआ लगेगा। लेकिन पहले डॉक्टर बोलते थे देखो पहले इतना दवा नहीं होता था, बोलते मिश्री चूसा करो, लेकिन तुमको मिश्री मीठा नहीं लगेगी कड़वी लगेगी, लेकिन छोड़ना नहीं चूसते रहना, चूसते चूसते जब तुम्हारी ये कड़वा बीमारी खत्म हो जाएगी पीलिया बीमारी, फिर तो मिश्री तुम्हें मीठा लगने लग जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए समझना मेरी बीमारी सही हो गई। इसलिए कहते भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन अभी मीठा नहीं लगता, हमें कड़वी लगती, क्या करनी चाहिए, छोड़ना नहीं, उसको चूसते रहो, क्या करो भगवान का नाम को लेते रहो, भगवान का नाम को लेते रहो, आदर करके लेते रहो, लेते लेते क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सारे अपराध अनर्थ दूर हो जाएगी। फिर उसको बाद में आएगी निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या, इतने पक्के हो जाओगे ना भले ही जितने बाधा विपत्ति आए लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़ोगे। जैसे श्री मीरा, मीरा जब भजन की सारा दुनिया उसका विरोध हो गई, यहाँ भी कुछ कुछ माताएं हैं जो बोल रही थी हमारी पति विरोध है, सास भी विरोध है, ननंद भी विरोध है, हम लड़ाई करके यहाँ पर आए हैं। लेकिन जब ये निष्ठा हो जाएगी ना, आप देखना जैसे मीरा के ऊपर में कितना बाधा विपत्ति आई, राणा ने भेजा 20 की प्याला अमृत करके पी गई उसने, हैं उसने सर्प छोड़ दिए, हैं काट दिया, लेकिन सर्प भी सालग्राम हो गया, सर्प भी सालग्राम हो गया। इसलिए हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22 बाजार में पिटाई हुई, बोले भगवान का नाम को तू छोड़ दे, छोड़ा जितने जोर से पिटाई हो रही थी इतना जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर से कृष्णा हरे 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 राम 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 राम, जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़े, ठाकुर की भक्ति की निष्ठा, यही निष्ठा जब बढ़ते आसक्ति आती है, हैं उसके बाद में भावावस्था, भावावस्था में कभी कभी कृष्ण की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिले, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और आपको स्पर्श करके गए, रोंगट खड़े हो जाएगी। कभी कभी कृष्ण की चरण की नुपुर की छम 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 आवाज सुनने को मिलेगी,
वो एकदम कान खड़े कर देगा, कितने सुंदर। कभी कभी ऐसे लगेगा कृष्ण आए अपना अधरा मृत तुम्हें पिला कर चले गए। फिर होठ को जैसे कोई मीठा चीज खाते हैं ना, होठ को चाटते रहते हैं, फिर ऐसे चाटते रहोगे मानो भगवान हमें अपना अधरा मृत पिला कर गई। कभी कृष्ण ऐसे प्रकट हो जाएगी, इतने शरीर में ज्योति अलंकार, शरीर का आग चकाचौंध हो जाएगा। कहती ये भावावस्था है, लेकिन जब प्रेमावस्था आएगा ना, एकदम साक्षात भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे। बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। यहाँ तक जब आएगी यही भाव बढ़ते बढ़ते, जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है ना, यही भाव ही धीरे 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 स्नेहा मान प्रणय राग अनुराग भाव और जा करके महाभाव अवस्था तक पहुँचती है। जैसे राबड़ी, राबड़ी खाए कि नहीं आप लोगों ने? कौन कौन राबड़ी खाए? वृंदावन राबड़ी सब खाए, वृंदावन बहुत बढ़िया राबड़ी मिलती है। हाँ, हमारे राम राम मिठाई वाला का राबड़ी मिलती है, बहुत बढ़िया राबड़ी है। इसलिए राबड़ी कितने मीठा लगता है, इसलिए कहते जो राधा रानी ना, हाँ राधा रानी का जो नाम बड़ी मीठा नाम है, इसलिए राधा राधा शब्द को उल्टा दो तो क्या हो जाएगी? हाँ, इसलिए राधा रानी नहीं, ये कृष्ण प्रेम की रस की धारा श्री राधा रानी। इसलिए कहते यही श्रद्धा ही जब गाढ़ता अवस्था को प्राप्त करती है प्रेम ही, उसी समय में ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए बोले महाशक्ति रस्मात बोले देखात्मना भूमि पुरा देह भेदो गतो तो। कहते तत्व तो राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, वो एक ही है, लेकिन केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए उन्होंने केवल उन्होंने दो रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव करने के लिए कलियुग में उन्होंने राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कलियुग में श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में आए। बोले सचिनंदन गौर हरि की। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगा ना, इसलिए तब तक कृष्ण कृपा नहीं होगा, तब तक कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। इसलिए एक हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबीम असंभाष्य तद भाव गंभीरचिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम। यहाँ पर कह रहे हैं अगर किसको कृष्ण भक्ति रस समुद्र में गोता लगाना तो क्या करना पड़ेगा? बोले जब तक कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, इसलिए वृंदावन में कोई भी कृष्ण नहीं बोलते। कोई बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से और जोर से राधे राधे क्यों बोलते हैं? कृष्ण खुद कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम। अगर किसी ने रा बोल दिया ना, बांके बिहारी कहते भैया रा शब्द सुनकर मैं पागल हो जाता हूँ। हैं? अभी मैं सोचता हूँ मैं राधा रानी का रा शब्द किसने उच्चारण किया है, किसने उसको मैं क्या दूं? कृष्ण खुद कहते हैं ये विश्व ब्रह्मांड में रा शब्द का विनिमय में मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं रहता, मैं खुद को खुद दे देता। भैया आज से मैं तेरा ही हो गया। अगर कोई धा बोल दिया ना, रा और धा बोल दिया, कृष्ण कहते ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे भागते रखता हूँ। इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी, राधे राधे रटो चले आए के बिहारी। इसलिए राधा रानी की नाम की इतने महिमा, इसलिए यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर कोई कृष्ण भक्ति की पाने की इच्छा है ना, भले तीन चीज को अपनाओ तभी कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। बोले भैया तीन चीज क्या अपना है? ध्यान देकर सुनना, फिर मैं पूछूंगा। कहते पहला चीज है अनाराध्य राधा पदाम भोजरे। जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरा चीज राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति रसों में जो डूबे हुए जो संत हैं, जो भक्तों लोग राधा जी की भाव में विभावित है, बोले ऐसे भक्तों का शरण जब तक नहीं लोगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते भैया कृष्ण मिलने वाले नहीं,
कृष्ण भक्ति रस तुमको मिलेगा नहीं। इसलिए तीन चीज अपना भक्ति भी बड़ी सरल है। इसलिए यहाँ राधा रानी जो हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिकार दासी यदि है अभिमान कृष्ण का मिलेंगे। अगर किसकी मन में ये अभिमान हो जाए हम श्री किशोर जी का दासी है बस कृष्ण जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, इसलिए जो राधा रानी को अनादर करते वो अभिमानी है। कबई ना कर भी ता कर संग चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस रंग। अगर किसको ब्रज भक्ति रस में डूबना चाहते हो भैया ऐसे व्यक्ति का संग मत करो, दूर रहो जो केवल कृष्ण को पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों का संग करो जो राधा रानी की भक्ति करते। इसलिए हम लोग गौड़ीय, गौड़ीय मतलब क्या, गौरी श्रीमती राधा रानी, गौरी श्रीमती राधा रानी। इसलिए प्रभुपाद कहते गौड़ीय मतलब क्या है, बोले राधा रानी की जो पक्ष लेने वाले। इसलिए उनका तीन तरह का सखियां है, कितने तरह की, कहते एक स्वपक्ष एक विपक्ष एक तटस्थ। बोले स्वपक्ष मतलब क्या, बोले तटस्थ मतलब जो राधा रानी को भी मानते हैं पूजा करते हैं जो कृष्ण को भी भक्ति करते हैं। कहते ये ललिता विशाखा आदि सखी लोग हैं। कहते कुछ है विपक्ष जो कृष्ण जो राधा रानी का तरफ नहीं केवल कृष्ण कृष्ण करने वाले, कौन, बोले ये चंद्रावली की दल है। लेकिन ऐसे कुछ सखियां हैं जो प्रिय नर में सखियां हैं, कहते ये केवल राधा जी की पक्ष लेने वाले, राधा जी का सुख में सुखी और राधा जी का दुख में दुखी है। राधा रानी अगर प्रसन्न हो प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी को दुखी हो ना ये दुखी हो जाते हैं है? इसलिए अगर ऐसे अभिमान किसकी हो जाए हम श्री किशोर जी की गण में बास राधा रानी को जल्दी से जल्दी श्रीमती राधा रानी को प्राप्त हो जाते। इसलिए राधा रानी की जन्म स्थान ये हमारी आराध्या देवी श्री राधा रानी। राधा रानी अगर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर कोई पूछे भैया कृष्ण से तुम्हारे क्या मतलब, बोले कृष्ण से हमारा कोई मतलब है, वो काले से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब तो राधा रानी से। बोले फिर कृष्ण तुमसे क्या लगते हैं, बोले कृष्ण के साथ में संबंध थे लेकिन दूर का संबंध, लेकिन पास का संबंध से राधा रानी से, क्योंकि राधा रानी की ये प्रियतम लगते हैं कृष्ण, इसलिए उनसे संबंध है। नहीं तो हमारी डायरेक्ट संबंध किसको साथ में, श्री राधा रानी को साथ में। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए जिस समय यहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई, अभी कथा सुन रहे थे, अभी जब नारद जी देखा कृष्ण कहीं अकेले नहीं आएंगे, कृष्ण गोकुल में आए, राधा रानी यहाँ पर आई, कहते कृष्ण तो अकेले कहीं आएंगे नहीं, जरूर उनकी लहादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति उनकी जो पराशक्ति राधा रानी ये जरूर कहीं ना कहीं जन्म ली। इतने में नारद जी गली गलियों में घर घर में घूम रहे कहाँ पर राधा रानी जन्म हुई, लेकिन कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं कृष्ण का सखा, लेकिन राधा रानी नहीं मिल रही है। राधा रानी को ढूंढते जा रहे हैं ढूंढते जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते जब यहीं पर उन्होंने आए और यहीं पर आकर जब पूछे फिर राधा रानी उनको यहीं पर उनको प्राप्त हुई। राधा रानी राधा रानी प्राप्त होने पर अभी वृषभानु महाराज जब राधा रानी यहाँ पर प्राप्त हुई और नारद जी जब राधा रानी को दर्शन किए बड़ी सुंदर रूप में उनको वंदना की, जब वंदना की राधा रानी बोली देखो फिर तुम गिरिराज तलेट में फिर दर्शन दूंगा, जब हम गिरिराज परिक्रमा लगाने जाएंगे वहां पर नारद कुंड पर वहीं पर राधा रानी की दर्शन उनको फिर हुई। इतने में वृषभानु महाराज उन्होंने नौता भेज दिया मेरे घर में लाली भई है सबके सब आओ बधाई देने के लिए, और जितने ब्रज की गोपियां थी ना 84 गज लहंगा चुंदरी बन करके और बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए सब गोपियां ब्रजवासी आए। नंद बाबा को भी निमंत्रण किया क्योंकि उनके साथ में मित्र था। नंद बाबा मैया जसोदा आए लेकिन जसोदा अपना लाला कृष्ण को लेकर के आए, बोले राधा रानी से कृष्ण कितना दिन बड़ी, ये 15 कृष्ण बड़े हैं, राधा रानी से कृष्ण 15 बड़े हैं। बड़े तो राधा रानी की प्रतिज्ञा थी, बोले क्या थी, बोले जब मैं जीवन में पहला बार आंख खोलूंगी सबसे पहले मैं कृष्ण का दर्शन करूंगी, कृष्ण सिवाय और किसी को मैं दर्शन नहीं करूंगी। इसलिए राधा जी का एक नाम श्यामा, क्या नाम है, मतलब क्या है, कृष्ण श्याम है राधा रानी श्यामा। इसलिए बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, इसलिए देवी कृष्णमयी राधा रानी कृष्णमयी, मतलब कृष्ण जिसकी बाहर और भीतर कृष्ण जिनकी वो कृष्णमयी है इसलिए वो श्यामा है। इसलिए कभी जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, बहुत लोग हैं, और कौन कौन जाना चाहते बोलो, पहले बताया था ना वहां जाएगा तो देखोगे
सब जगह में राधा रानी को गोरी देखोगे, लेकिन जब वृंदा हाँ जब जाओगे आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, वहां पर तोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी काली है, क्यों कृष्ण चिंता में राधा रानी कृष्णमयी बन गई, वही देखने को मिलेगी। ललिता विशाखा भी आपको काली देखेगी, राधा रानी भी काली देखेगी वहीं पर, इसलिए कृष्णमयी। इसलिए इतने में श्री मैया जशोदा कृष्ण को लेकर के आई, आकर के जिस पलने के ऊपर राधा रानी लेट हुई थी किशोर जी, उन्होंने कृष्ण को भी वहीं पर लेटा दी। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथों को उन्होंने राधा रानी के ऊपर रख दिया। हो कृष्ण का हाथ का स्पर्श पाते ही राधा रानी को तो रोम रोम खिली उठी, रोम रोम खिली उठी, आंखों से आंसुओं की झरी प्रवाहित होने लग गई, समझ गई मेरे प्रियतमा आ गए। और राधा रानी जब पहला बार नेत्र खोली ना, और सामने श्री कृष्ण को दर्शन की, वृषभानु महाराज आनंद की सीमा नहीं रही, उत्सव तो मना रहे थे लेकिन मन में खेद था, पता नहीं ये जन्म से अंदर अंदर में कुछ सोच रही है, अंधी नहीं माने ये अंदर अंदर में किसको ये याद कर रही, किसको याद कर रही थी, कृष्ण को ही याद कर रही थी। लेकिन जब देखा लड़की ने आंख खोल दी, वृषभानु महाराज जितने जोर तोर से उन्होंने राधा रानी की जन्म महोत्सव मना रहे थे, बड़ी धूमधाम से उन्होंने राधा रानी की जन्म महोत्सव मनाए, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले राधा जन्म सुनी आई रे, भैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनी आई रे, ग्रुप में डाल दिया मैंने एक लिरिक, साफ सब देखना हिंदी कीर्तन में भजन है, किशोरी इतना तो पीजो, किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो।